साजापुर। साजापुर मध्य प्रदेश का एक जिला जिसे 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा जिले से अलग करके बनाया गया था। साजापुर को प्राचीन नाम कंकारा खेड़ी या खंडड़ी खेड़ा नामों से भी जाना जाता है। पहले साजापुर को शाहजहांपुर कहा जाता था, बाद में इसे साजापुर किया गया था। साजापुर को शाहजहां के समय में जाना गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1732 में शाहजहांपुर को सिंधिया साम्राज्य में मिला लिया गया। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो बेल आइकन के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। गठन 1956, तहसील साजापुर, मोहन बड़ोसिया, सुजालपुर, काला पीपल, गुलाना, अवंतीपुर, बड़ोदिया और पुलाय कला है। वही पड़ोसी जिलों के साथ सीमा की बात की जाए तो राजगढ़, देवास, सीहोर, आगरमालवा और उज्जैन आते हैं। और यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए जो कि 2011 के हिसाब से है तो 151,268 है। वहीं 2011 के हिसाब से कुल साक्षरता की बात की जाए तो 71.8% है। जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि की बात की जाए तो साजापुर जिले की गेहूं और सोयाबीन की प्रमुख फसलें हैं। और यहीं के पशुपालन की बात की जाए तो साजापुर जिले में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। यहां के प्रमुख नदियों की बात की जाए तो पार्वती नदी, चीलर यानी चंद्रलेखा नदी, छोटी काली सिंध नदी और लखुंदर यानी लक्ष्मणा नदी है। यहाँ पर नर्मदा काली सिंध लिंक परियोजना है। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे कम 1% पाए जाने वाला जिला है। इसके साथ ही यहाँ पर बैराइट खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि पेरियम सल्फेट है और ये सफ़ेद रंग का रंगहीन पदार्थ होता है। यहाँ कोकरू जनजाति पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ सोयाबीन और नमकीन उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध उद्योग हैं। यहाँ पर मालवी मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा है और यहाँ पर कंस वधोत्सव मेला लगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने साजापुर जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको भी आपके शहर, प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।